Hi, this is Tariq. Today we have rule number 6 to speak excellent English. मैं हूँ तारिक और आज हम पढ़ेंगे rule number 6 बेहतरीन English बोलने के लिए. What's rule number 6? Rule number 6 है क्या? Rule number 6 is to use real English material. रूल नंबर 6 है कि आपने जो इस्तेमाल करना है मटेरियल, यानी जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो रियल इंग्लिश होनी चाहिए. यानी वो आपको बाद में पता चलेगा कि कौन सी रियल होती है और कौन सी फेक होती है. ओनली यूज़ रियल इंग्लिश मटेरियल नाउ बिफोर आई टोल्ड यू स्टॉप यूजिंग टेक्स्ट बुक्स. सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है असली इंग्लिश का मटेरियल, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने इंग्लिश बुक्स को यानी टेक्स्ट बुक्स को इस्तेमाल करना छोड़ देना है. सो व्हाट शुड यू डू? अगर आप टेक्स्ट बुक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? हाउ कैन यू लर्न नाउ? आप कैसे सीखेंगे और कैसे मटेरियल हासिल करेंगे? वेल आई वॉन्ट यू टू यूज़ रियल मटीरियल. व्हाट डू आई मीन विद रियल मटीरियल्स? मैं चाहता हूं कि आप लोग रियल मटेरियल इस्तेमाल करें, और रियल मटेरियल से मुराद असली अंग्रेज़ी सीखने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करनी हो क्या है? वेल आई मीन इंग्लिश मटेरियल दैट आर फॉर नेटिव स्पीकर्स. ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो वाकई में अंग्रेज़ों के लिए बनी है, अंग्रेज़ उसे इस्तेमाल करते हों. दैट आर वेरी सिमिलर टू नेटिव स्पीकर मटीरियल, या ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा तकरीबन सिमिलर हों, जो अंग्रेज़ इस्तेमाल करते हैं, एक जैसी हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, वैन यू रीड डोंट रीड टेक्स्ट बुक्स. जब आप पढ़ते हो तो आपने किताबों को नहीं पढ़ना. टेक्स्ट बुक्स आर टेरेबल थिंग्स. टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो बहुत ही मतलब अजीब होती हैं टू रीड. रीडिंग के हवाले से अगर कहा जाए तो सही है, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए वो सही नहीं है. यू डोंट वॉन्ट टू यूज़ दोज. आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी. इफ़ यू वॉन्ट टू रीड इंग्लिश, अगर आप वाकई में चाहते हैं अंग्रेज़ी पढ़ना, रीडिंग इज़ ग्रेट, पढ़ाई पढ़ना बहुत अच्छी बात है. यू शुड रीड ईजी इंग्लिश स्टोरी बुक्स. आपने स्टार्ट करना है असली अंग्रेज़ी से, ऐसी कहानियों से जो अंग्रेज़ों की हैं, यानी हमारी बुक्स नहीं, जो हमारी बुक्स की जो स्टोरी है वो नहीं, जो अंग्रेज़ों की बुक्स हैं उनकी स्टोरीज आपने पढ़नी है. ईजी इंग्लिश नॉवेल्स, आपने इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ने हैं. अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं या मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ जाके सर्च करें तो आपको बहुत सी स्टोरीज़ मिलेंगी जो कि सीक्वेंस वाइज हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं. एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ यू डू दैट. और मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये नॉवेल और ये स्टोरीज़ कैसे पढ़नी, कहाँ से हासिल करनी है. सो ये सब मैं आपको बताऊँगा. गिव यू सम सजेशंस, कुछ मैं आपको सजेशन देता हूँ फॉर गुड बुक्स टू रीड, अच्छी किताबें पढ़ने के लिए जो आपकी वाकई में अंग्रेज़ी को बेहतर करेंगी. बट यू वॉन्ट रीड ईजी इंग्लिश बुक्स डैट यू इंजॉय. लेकिन सबसे अहम चीज़ जो आपने फोकस करना है वो ये है, ऐसी चीज़ को पढ़ना है जिसको आप इंजॉय करो, जिसको आप मज़े लेके पढ़ो, जिसे आप मज़े लेके सुनो. इमेजिन डैट राइट, तस्वुर करके देखें क्या ये ठीक नहीं है. पिक समथिंग यू इंजॉय, ऐसी चीज़ को आपने पिक करना, ऐसी चीज़ को उठाना है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, जिसको आप इंजॉय करते हो, चाहे वो गाना हो, चाहे फिल्में हो, चाहे ड्रामे हो, लेकिन उसमें रियल इंग्लिश होनी चाहिए. पाकिस्तानी इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, पहली बात सुन लें. ओके, समथिंग दैट इंटरेस्टिंग, something that's interesting, maybe a romance book, a romantic book like this,
ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने की आदत है, तो आप ऐसी किताब उठा सकते हैं जो रोमांस बुक हो, यानी ऐसी नॉवेल्स हो जिसमें मोहब्बत की कहानियाँ हो। मे बी एन एडवेंचर, मे बी एन एडवेंचर स्टोरी, या ऐसी स्टोरी जैसे एडवेंचर हो। आपने याद होगा मैंने रॉबिन्सन एक स्टोरी पढ़ाई थी, बहुत एडवेंचर थी। समथिंग लाइक दैट, इस तरह कुछ हो जो आपको पसंद है। सबसे पहली चीज़ है कि आप जिसमें इंजॉय करें, जिससे बोर ना हो, ऐसी चीज़ को आपने पिक करना है। इट्स इजी, इट्स फन, वो आसान भी होनी चाहिए और उसमें मज़ा भी आपको आना चाहिए, आपको तफरी भी आनी चाहिए। दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ रीडिंग। और इस तरह अगर पढ़ना है तो इस तरह पढ़ने, वरना नहीं पढ़ें। अगर सिर्फ रट्टे मारने हैं, सिर्फ सुनना है, तो फिर सॉरी, आप कुछ भी पढ़ें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी स्पीकिंग पे। सो यू नो दैट यू शुड फोकस ऑन योर लिसनिंग। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहले, सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना है? लिसनिंग, सुनने पर। योर लिसनिंग शुड बी 80% ऑफ योर लर्निंग। 80% स्पीकिंग में मदद देती है लिसनिंग, यानी आपको सबसे ज़्यादा फोकस लिसनिंग पे करना है। वॉट शुड यू लिसन टू, तुम्हें क्या सुनना है? सेम थिंग, यू शुड लिसन टू ईजी इंग्लिश डैट यू इंजॉय। अब सुनना भी वही है, सुनने के लिए भी वही चीज़ मैं दोबारा से दोहराऊंगा। ऐसी चीज़ सुनो जो आसान इंग्लिश में हो और जिसे आप इंजॉय करो। अबाउट टॉपिक्स दैट यू इंजॉय, ऐसे टॉपिक पिक करो जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी है, जिसमें तुम्हारा शौक है। ऐसे टॉपिक्स को सर्च करो, ऐसे टॉपिक को पढ़ो, ऐसे टॉपिक्स को सुनो। यू शुड इंजॉय द स्पीकर। जब आप सुनो तो आपको, आप इंजॉय करो, यानी हिल हिल के, डांस करते हुए, मिसाल के तौर पे आप इंजॉय करते हुए हंसते, मतलब आपको फ्रेश कर दे कोई चीज़। आपको उसकी आवाज़ भी पसंद आनी चाहिए। आप उसकी आवाज़ को भी इंजॉय करो, उसकी स्टोरी को भी इंजॉय करो, उसकी बातों को भी इंजॉय करो। यू शुड इंजॉय देयर एनर्जी। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चुस्ती से पढ़ाते हैं, मतलब सामने वाले को करंट देते हैं, तो वो एनर्जी भी आप इंजॉय कर सको। यू शुड इंजॉय द टॉपिक्स, आपने वो टॉपिक्स जो हैं वो इंजॉय करने हैं। सो यू डोंट वॉन्ट टू लिसन टू द टेक्स्ट बुक सीरीज़। लेकिन दोबारा से मैं कहूँगा कि अगर आपने देखा हो कि ऑक्सफोर्ड की बुक्स होती हैं, ये बुक्स होती हैं, इनमें सीरीज़ साथ आती हैं, तो आपने ये चीज़ें नहीं सुनी। दोज आर टेरिबल, ये चीज़ें अजीब हैं। यू नो, आप जानते हैं मिसाल के तौर पर कैसी होती है ये बुक्स। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज़ वाली बुक लें, वो कैसी होगी? हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड यू? इस तरह, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस यही लफ्ज़ होते हैं उसमें। ओह टेरिबल, 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 ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, भयानक है। आपकी अंग्रेजी को सही करने के बजाय ख़राब कर देगा। यू डोंट वॉन्ट टू लिसन द एक्टर्स, ओके? आपने ऐसे लोगों को नहीं सुनना जो एक्टिंग करें, जो एक्टर्स हों। डू यू लिसन टू द एक्टर्स? आप ऐसे लोगों को सुनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ रटी हुई चीज़ों को रटाएं, रटी हुई चीज़ों को पढ़ें। लिसन टू द पीपल हु आर स्पीकिंग मोर नेचुरली। लिसन टू द पीपल हु आर स्पीकिंग मोर नेचुरली। ऐसे लोगों को सुने जो कुदरती तौर पर बोले, जो अपना दिमाग इस्तेमाल करके बोले, ना कि वो स्क्रिप्ट को कॉपी करें और उसको बोले। जस्ट लाइक दीज वीडियोज़ आर गुड टू लिसन टू एक्चुअली। जैसे कि ये वीडियोज़ हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपको ये बहुत हेल्प करेंगी। यू कैन जस्ट प्रैक्टिस बाय लिसनिंग टू मी टॉक। मुझे नहीं सुनना, एजे हॉक को सुनना है। तो वो कह रहा है कि आपने जैसे मुझे सुन रहे हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं, ऐसे आप सुने। आई हैव ऑल्सो अ पॉडकास्ट, पॉडकास्ट आर ग्रेट। पॉडकास्ट क्या होते हैं? बेसिकली ऑडियो, ऑडियो MP3s होती हैं, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, या रेडियो होता है, रेडियो पे
लाइव होता है वो भी पॉडकास्ट में आता है। तो इस तरह आपने ऐसी चीज़ों को सुनना है जो अंग्रेज़ी में हो और मज़ेदार हो, जो आपको इंजॉय, जिसको आप इंजॉय कर सको। यू कैन गेट ऑन द इंटरनेट, ऐसी चीज़ें आप इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ रियल इंग्लिश लिसनिंग मटीरियल, आप बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश ओरिजिनल ओरिजिनल इंग्लिश मटीरियल में हासिल कर सकते हैं। पॉडकास्ट आर परफेक्ट, जैसे पॉडकास्ट होते हैं वो परफेक्ट होते हैं अगर आप सुने। आई हैव अ पॉडकास्ट, यू कैन गो टू एफर्टलेस इंग्लिश पेज डॉट कॉम, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये एजे होप की अपनी वेबसाइट है एंड यू कैन लिसन टू मी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। आपने यहाँ जाके बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको सुन सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा कहूँगा आपने वो चीज़ सुनी है जिसमें आप इंजॉय करो। टॉकिंग अबाउट लिसनिंग, टॉकिंग अबाउट आइडियाज़, टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, इट्स फ्री एंड इट्स ईजी। वहाँ याद करने के हवाले से बात की जाएगी, आइडियाज़ दिए जाएंगे आपको, लेकिन सब कुछ अंग्रेज़ी में होगा, कुछ उर्दू में नहीं होगा। और ये फ्री है और बहुत आसान है। यू कैन जस्ट लिसन, आपने बस सुनना है। लिसन 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 अ लॉट ऑफ रियल मटीरियल, आपने सिर्फ और सिर्फ असली मटीरियल बहुत 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 सारा सुनना है। आई एम जस्ट टॉकिंग एंड इट्स अ रियल नेटिव स्पीकर। एजे होक कहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो असली अंग्रेज़ी है और ये अंग्रेज़, क्योंकि मैं अंग्रेज़ खुद हूँ। आई एम नॉट एक्टिंग, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर पॉडकास्ट आउट देयर, बहुत सारे पॉडकास्ट इस वेबसाइट पर मिलेंगे। यू कैन पिक, कोई भी आप लें। यू नो इंग्लिश लर्निंग पॉडकास्ट, बट यू कैन ऑल्सो पिक अ पॉडकास्ट अबाउट टॉपिक यू लाइक। बहुत सारे आपको टॉपिक मिलेंगे, लेकिन आप ऐसा टॉपिक को चूज़ करें जो आपको पसंद आए। वैसे तो वहाँ हर किस्म के टॉपिक आपको मिलेगा। इफ़ यू लाइक स्पोर्ट्स, अगर आपको स्पोर्ट पसंद है, फाइंड इंग्लिश पॉडकास्ट टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, ऐसे पॉडकास्ट लें जिसमें स्पोर्ट्स के बारे में बात की जाए। इफ़ यू लाइक कार्स, फाइंड वंस दैट टॉक अबाउट कार्स, अगर आपको कार्स के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है बात करना या सुनना, तो आप तमाम ऐसे पॉडकास्ट उठाओ या ऐसी MP3 उठाओ जिसमें बात की जाए कार्स की। इफ़ यू लाइक एक्सरसाइज आर हेल्थ, फाइंड पॉडकास्ट अबाउट दैट, अगर आपको एक्सरसाइज पसंद है या हेल्थ के हवाले से, तो ऐसी ऐसी MP3 उठाए। यू कैन ऑल्सो फाइंड ऑडियो बुक्स, आप ऑडियो बुक्स भी ले सकते हैं। ऑडियो बुक्स आर अनदर ग्रेट वे टू प्रैक्टिस योर लिसनिंग। ऑडियो बुक्स भी बहुत ज़बरदस्त होता है आपकी प्रैक्टिस के लिए, सुनने के लिए। एन ऑडियो बुक इज़ जस्ट अ बुक दैट समवन रीडिंग। ऑडियो बुक वो होती है जो कोई कहानी पढ़कर आपको सुना रहा हो, जैसे मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़कर सुनाई हैं। दे आर रिकॉर्डेड, सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द बुक यू लिसन टू द बुक, बजाय इसके कि आप अंग्रेज़ी को पढ़ें आप सुन भी सकते हैं। अगेन चूज़ ऑडियो बुक्स दैट आर ईजी, दोबारा से कहूँगा कि ऐसी किताब को चूज़ करें जो आसान हो। यू मे नीड टू स्टार्ट विद चिल्ड्रंस स्टोरी बुक, आपने स्टार्ट करना है बच्चों की कहानियों वाली किताबों से। दैट्स ओके, यू नो ये ठीक रहेगा आपके लिए। इन्जॉय दैम, लेकिन उसे आपने इन्जॉय करना है। इट्स मोर फन दैन अ टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक के हवाले मुकाबले में ज़्यादा आपको इन्जॉयमेंट देगी ये किताब। आई गारंटी एव इवन लिसनिंग टू अ स्टोरी बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग, एक कहानी को सुनना एक टेक्स्ट बुक के पढ़ने के या सुनने के मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, दिलचस्प होता है। मोर फन दैन सम बोरिंग टेक्स बुक, बोरिंग टेक्स बुक से पढ़ने से तो बहुत बेहतर है। एज़ यू गेट बेटर, जैसे आप इम्प्रूव करते जाए, वैन योर लेवल इज़ हायर, जब आपका लेवल हायर हो जाए, अच्छा हो जाए, यू कैन लिसन द ऑडियो, यू कैन लिसन टू ऑडियो, आप ऐसी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। फॉर यंग एडोलर्ट्स, जो बड़ों के लिए हो, फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चों के लिए हो। एंड यू जस्ट कीप लिसनिंग लिसनिंग, बस आपने सुनना है सुनना है। व्हेन इट इज़ टू इजी, जब ये बहुत आसान लगे, देन चूज
समथिंग अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। जब वो आसान लगने लगे तो ऐसी चीज़ उठाएं जो थोड़ी सी मुश्किल हो, अपना लेवल बढ़ाएं। यू लिसन 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 एंड मोर, आपने सुनना सुनना और ज़्यादा सुनना। अ लिटिल मोर डिफिकल्ट और फिर और थोड़ा सा मुश्किल कर देना। अ लिटिल मोर डिफरेंट, अ लिटिल मोर डिफिकल्ट, फिर आपने थोड़ा सा मुश्किल उठाना है, फिर मुश्किल उठाना है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल को चेंज करना है। इवेंचुअली व्हेन यू आर एडवांस, जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाए, यू कैन लिसन टू CNN और द BBC और अमेरिकन मूवीज, ब्रिटिश मूवीज, ऑस्ट्रेलियन मूवीज एक्सेट्रा एटसेट्रा। जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाए तो आप CNN, BBC या अमेरिकन मूवीज़ देखें या ब्रिटिश मूवीज़ देखें या ऑस्ट्रेलियन मूवीज़ देखें वगैरह वगैरह। बट दैट एट एन एडवांस लेवल, लेकिन ये एडवांस लेवल पर देखिएगा, अभी नहीं। इन द बिगनिंग स्टार्ट विद ईजी स्टफ, लेकिन शुरू में आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो, छोटी छोटी आसान आसान स्टोरीज और आसान आसान मटेरियल से शुरू करें, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए रियल इंग्लिश में। सो यू आर ऑलवेज चूजिंग दीज रियल थिंग्स, आपने हमेशा ऐसी चीज़ें, ऐसी असली चीज़ें ढूंढनी है। ऑडियो बुक्स, किताबों को जो अंग्रेज ट्रांसलेट करते हैं वो ढूंढना है। पॉडकास्ट, ऐसी MP3s जो अंग्रेज़ी में टॉपिक्स वाइज बात की हो। मूवीज़, मूवीज़ को उठाएं। टीवी शोज़ उठाएं। दे कैन बी चिल्ड्रंस TV shows। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका लेवल कम है तो आप बच्चों के जैसे स्पाइडरमैन उठा लिया। आपने बचपन में बहुत से कार्टून देखे होंगे जो आपका फेवरेट होते होंगे, तो अब आप उसको इस अंदाज़ में देखें कि आपने अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बनाना है। ऐसी चीज़ जिसमें आपको शौक हो, देखने का सुनने का शौक हो, उस पर फोकस करें, लेकिन सुनने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, नॉट टेक्स्ट बुक्स। लेकिन टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स सीरीज़ वो भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये बहुत अहम है। आपने याद रखना है कि ऐसी चीज़ें उठानी हैं जो आपको मज़ा दें। बिकॉज व्हेन यू लिसन टू रियल इंग्लिश मटीरियल, जब आप असली अंग्रेज़ी सुनेंगे या असली मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे, यू गेट रियल स्पोकन इंग्लिश। तो आपकी अंग्रेज़ी वाकई में दुरुस्त होगी, वाकई में आप अंग्रेज़ों की तरह बोलेंगे। टेक्स्ट बुक्स डजंट टीच यू रियल इंग्लिश, लेकिन ये जो ग्रामर की बुक्स होती हैं, ये चीज़ें आपको असल अंग्रेज़ी नहीं सिखाती। दे टीच यू फॉर्मल इंग्लिश। ये आपको पता क्या सिखाती हैं? जो अदब वाली अंग्रेज़ी, अदब वाली अंग्रेज़ी से मुराद बस जो आप रट्टे रटाए तोते की तरह बोलो, तोते की तरह आपने नहीं बोलना। दे टीच यू रिटन इंग्लिश, वो आपको बेसिकली सिखाते हैं कि आपने इंग्लिश लिखनी कैसी है। लिखने का तरीका अंग्रेज़ी में अलग है, बोलने का तरीका अंग्रेज़ी में अलग है। हमारे यहाँ जो हमारी उर्दू की ज़बान में दोनों एक है, लेकिन अंग्रेज़ की ज़बान में ये दोनों अलग अलग है। वो लिखता कुछ है और बोलता कुछ है। इनफैक्ट द वोकैबुलरी इन टेक्स्ट बुक्स, यहाँ तक के जो वर्ड्स मीनिंग टेक्स्ट बुक में होती हैं, द ग्रामर, जो ग्रामर होती है, द स्टाइल, जो उनका तरीक़ेकार होता है, इट्स ऑल राइटिंग। वो सिर्फ और सिर्फ इट्स ऑल फॉर राइटिंग, ये लिखने के लिए हद तक होता है। इवन थो यू आर लिसनिंग दीज कन्वर्जेशन, दे आर नॉट रियल कन्वर्जेशन। यहाँ तक कि आप जो वो कन्वर्जेशन होती है कि फ़ोन पर कैसे बात करनी है, किसी कस्टमर से कैसे बातें करनी है, कन्वर्जेशन जो होती है वो भी रटी रटाई होती हैं। When you listen to real material, लेकिन जब आप असली real material सुनते हो, audio books, conversation, podcast, जो दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं live, बगैर किसी script के, that is real, anything that is real, वो है असली, that's real English we use, यही हम इस्तेमाल करेंगे। Americans, Canadians, British, ऑस्ट्रेलियंस, आपने कोई भी मुल्क की उठा लें, लेकिन चीज़ होनी चाहिए ओरिजिनल, नॉट स्क्रिप्टेड। और दैट्स हाउ यू रियली स्पीक, इस तरह आप ऐसे अंग्रेज़ी बोलेंगे। दोज आर द वर्ड्स वी यूज़ इन नॉर्मल कन्वर्जेशन, दैट्स द प्रोनाउंसिएशन वी यूज़। उसमें जो हम अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वो हम आम तौर पर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, और प्रोनाउंसिएशन भी इससे बेहतर होगी।
सो रियल इंग्लिश मटेरियल ओनली, नॉट टेक्स्ट बुक सीरीज। आपने रियल इंग्लिश मटेरियल उठाना है, टेक्स्ट बुक नहीं उठानी। इट्स अगेन वेरी सिंपल इजी रूल, ये दोबारा से बहुत ही आसान सिंपल रूल है। वी हैव इंटरनेट, हमारे पास इंटरनेट है, इट इज़ सो इजी टू फाइंड दीज रियल मटेरियल। आपने ये आसानी से रियल मटेरियल गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मैं ये आखिरी रूल होगा, रूल नंबर 7। मैं अगले हफ्ते रूल नंबर 7 में मिलते हैं, और वो हमारा आखिरी रूल होगा। फिर हम प्रैक्टिकली करेंगे कि कौन सा मटेरियल उठाना है, किस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह मैं खुद भी वो प्रैक्टिस करूंगा, आपको भी कराऊंगा। इस चीज़ से आप बेफिक्र रहें, जो एजे हो के जितने कोर्स हैं मेरे पास सारे हैं, मैं उसको उसको आपको लाइव भी दूंगा, यानी आपको डाउनलोड करने के लिए भी दूंगा, प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, और बताऊंगा भी डेमो देके कि आपने प्रैक्टिस करनी कैसे और क्या करना है। अगर जहां आप फंसेंगे वहां मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आज का सबक यहीं ख़त्म होता है। रूल नंबर 6, आपने याद रखना है कि आपने ऐसा मटेरियल उठाना है जो रटा रटाया ना हो। लाइव BBC सुन ले, CNN सुन ले, लेकिन कोशिश करें कि आप फोकस करें कि ऐसे ऐसे बच्चों की स्टोरीज सुन ले, तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आप टेक्स्ट बुक पे उठाए टेक्स्ट बुक उठाए। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।